तो दोस्तों स्वागत है वन ओमेगा के यूट्यूब चैनल में। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो मैंने एक यहाँ पर एक शिवलिंग का 3D मॉडल बनाया है। तो इस वीडियो में आप इस 3D मॉडल को कैसा बना सकते हैं आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और रीलोड स्टार्टअप फाइल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम यू पे, हम शुरू करेंगे। तो पहले दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे चैनल के अपडेट्स आने के लिए। तो शुरू करते हैं 3D मॉडल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों राइट क्लिक करके आपको क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, देन एक्स दबाइए डिलीट करने के लिए और शिफ्ट ए मैश और सिलेंडर को सेलेक्ट करिए। तो आप स्केल कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं आपकी मर्जी। तो मैं थोड़ा स्केल करूँगा तो एस और जी एक्सिस में स्केल करूँगा, तो इतना बहुत काफ़ी है। आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो आप 5 प्रेस करेंगे नंपैड में और प्रेस एक दबाएंगे तो ऐसा व्यू आ गया, फ्रंट व्यू। आप जी दबा के वाई फ्रेम में जा सकते हैं और थोड़ा जूम करेंगे। दोस्तों आपको ऐसा प्रॉब्लम आया तो डरना मत, जस्ट कंट्रोल की है ना उसको होल्ड करके माउस व्हील को स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे करें तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट का। तो शिफ्ट दबा के माउस व्हील करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो ये है शॉर्टकट्स पोजीशन करने के लिए वाई फ्रेम में अपने ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों ये दबाइए डी सेलेक्ट करने के लिए, सॉरी टैब दबा के एडिट मोड में जाइए और ए दबाइए रीसेट करने के लिए। तो अगला बॉक्स क्या बोलते बॉक्स सेलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए बी दबाइए बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए, ऊपर का सेलेक्ट करेंगे। तो अब बेजल करेंगे ऊपर के एजेस को, बेजल में तो एक कर्व शेप बनाएंगे। उसके लिए कंट्रोल बी दबाइए और माउस व्हील को ड्रैग करिए ऐसा नीचे। आपको ऐसा एक हट या एक हट शेप ट्राइंगल एरो शेप जैसा आना चाहिए जैसा मेरा वीडियो में आ रहा है। तो ऐसे आने के बाद सिंपली आपके माउस व्हील को ऊपर स्क्रॉल करिए, एडजस्ट करिए कोन को। तो आ गया ना, तो लेफ्ट क्लिक कर दीजिए अप्लाई करने के लिए और ए दबा दीजिए डी सेलेक्ट करने के लिए। तो ये है डिफॉल्ट शेप, तो बी सेलेक्ट करिए नीचे का और एक्सट्रूड दबाइए, इतना काफ़ी है। और एक और बार एक्सट्रूड करिए और एक बार एक्सट्रूड करके इसको छोटा कर दीजिए। तो एक्सट्रूड करने के बाद एस दबाइए तो ये छोटा हो जाएगा और जो ब्लू आ रहा है ना उसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करिए थोड़ा। तो मैं जूम करूँगा तो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फिर से एक्सक्रूड, इसको भी स्केल करेंगे थोड़ा और फिर से एक्सक्रूड, ये ऐसा ही रहेगा। फिर से यहाँ पर एक्सक्रूड करके नीचे आइए और इसको स्केल कर दीजिए। एक और बार ऐसा एक्सक्रूड करेंगे लास्ट, और फिर से ये लास्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा रहेगा। तो ये एक्सक्रूड हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि एक्सक्रूड दबाएंगे फिर एस दबाइए छोटा सा और स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। तो मैं कंट्रोल जेड दबा दूंगा तो एक्सक्रूड करिए हम, मैं कंफ्यूज हो गया सॉरी गाइस। एक्सक्रूड ई दबाइए देन स्केल कर दीजिए तो नीचे तक आ जाइए। तो मैं एक बार सॉलिड व्यू में दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं ऐसा आएगा नीचे। तो फिर से वाई फ्रेम और एक दबा दीजिए
ए दवाई है डीसेलेक्ट करने के लिए। ऊपर जाएंगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लुपट हम किए ना उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो जी दबाइए सॉलिड व्यू और आप फेस सिलेक्शन में मोड में जाइए तो ये आपको डॉट्स दिखाई देंगे। ऑल्ट होल्ड करके राइट क्लिक दबाएंगे तो पूरे जो फेसेस है ना सर्कल के वो पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे कि आप एक्सट्रूड करेंगे, लेफ्ट क्लिक करिए, देन स्केल कर दीजिए, हो गया ना। तो ये स्केल हो गया, मैं और थोड़ा स्केल करूँगा और स्केल एस दबा के और जी दबाऊंगा जी एक्सिस में स्केल करने के लिए। और एक बार चेक कर लूँ एग्जैक्ट है कि नहीं। तो दोस्तों ये स्केल हो गया है और ए दबा दीजिए डी सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिवलिंग का जो रहे ना वो फॉर्म हो शेप फॉर्म हो रहा है। तो एक दबा देंगे तो यहाँ पर जी और वाईफाई में जाइए और बी प्रेस करिए तो सामने जो चार ब्लॉक्स है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये चार फेसेस है ना उसको सेलेक्ट करिए ब्लॉक सिलेक्शन से और टॉप व्यू में जाइए। एक बार देख लीजिए कैसा है व्यू अच्छा है कि नहीं। उसको देखने के बाद एक्सक्रू कर दीजिए। तो इतना ठीक है, आप देख लें एक बार एक्सक्रू होया कि नहीं। तो अच्छा है तो ए दबा दीजिए डी सेलेक्ट करने के लिए और अब सॉलिड व्यू में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एजेस थोड़े शार्प है वो दूसरा एडिट कर लेंगे। अब इस सर्कल यहाँ पर है ना उसमें हमको एक लूप कट ऐड करना होगा। तो कंट्रोल आर दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक लूप कट। इतना इतना काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों ये लूप कट आ गया और अगला क्या है कि हम जो एजेस है ना उसको ऊपर करेंगे। तो ऊपर करने के लिए फेस सिलेक्शन में जाना होगा, जो यहाँ पर फेसेस है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये पूरे फेसेस को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं टाइम लैप्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तो एक बार टॉप व्यू में जाऊँगा, ये ज़्यादा ही ईजी रहेगा। तो दोस्तों आपको कोई भी ट्यूटोरियल चाहिए या कोई भी एडवाइस चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दो, मैं ट्राई कोशिश करूँगा कि वो होए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सेलेक्ट कर दिए हैं तो ई दबाएंगे और जी दबाएंगे जेड एक्सिस में एक्सट्रूड होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये एक बेसिक सा शेप आ गया है। तो अगर रियल लाइफ में शिवलिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से पानी डालेंगे तो यहाँ साइड से जाके इस साइड पानी नीचे आएगा। तो हमारा ये दबाएंगे डी सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये है बेसिक सा शिवलिंगम का मॉडलिंग है, उतना भी परफेक्ट नहीं है, ये पूरा बेसिक है। तो मैं अंडू कर गया सेलेक्ट करने के, सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे लाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक वर्टेक्स है ना इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, पोजीशन अलाइन कर सकते हैं, एक वर्टेक्स पॉइंट को चेंज करके एक एंगल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कर लो दोस्तों, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक रियल लाइफ में जो करते हैं ना वो करो शिवलिंग थोड़ा ऐसा अटैच रहता है, तो इसलिए मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ।
ये जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही राइट है। आप कोई चेंजेस रहे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों शिवलिंगम डिस्टर्बिंग। तो यह बेसिक शिवलिंगम का शेप या शेप है। तो मैं क्या करूँगा कि टैब और ऑब्जेक्ट व्यू में जाऊँगा और एक दबाऊँगा और इसको शिवलिंगम को रेड लाइन के ऊपर मूव करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू एरो को सेलेक्ट करना है, ऊपर ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। तो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन चलेगा। और हमको एक माउंटेन का लुक देना है, तो शिफ्ट ए दबाएंगे, मेश और प्लेन। तो ये प्रॉब्लम है, जब भी आप शिफ्ट सी नहीं दबाएंगे तो आपका 3D कर्सर अलग रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट अलग रहेगा। तो कंट्रोल जेड देन शिफ्ट सी, जूम आउट करिए और शिफ्ट ए दबाइए, मेश और प्लेन सेलेक्ट करिए। तो ये प्लेन ठीक नीचे शिवलिंगम के नीचे आ गया। तो ये एडवांटेज है शिफ्ट सी यूज करने से। और हम स्केल करेंगे इसको, इतना इतना काफी है। और टॉप व्यू में जाएंगे, साथ दबाइए और टैब और एडिट मोड। अब डब्ल्यू पेस्ट करिए और सब डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ शीट जैसा बॉक्सेस आ गया है। तो डिसेल करिए पूरा और आपको पॉइंट पॉइंट सेलेक्ट में रहना पड़ेगा इसके लिए। तो कीबोर्ड में ओ प्रेस करिए और कोई भी वर्टेसिस या पॉइंट, ये पॉइंट है ना, पॉइंट सेलेक्ट करके राइट सेलेक्ट करिए और जी दबाइए। तो जी दबाने से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्किल है। तो एक बार चेक कर लीजिए माउस व्हील स्क्रॉल आ रहा कि नहीं। तो मैं ऊपर ऊपर नीचे करके माउस व्हील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक माउंटेन का शेप आ जाएगा यहाँ पर। तो वैसा ही पूरा कर लो, एक माउंटेन का शेप आने के लिए है। तो हम कोई डरने की बात नहीं है, हमारा शिवलिंगम एक अलग ऑब्जेक्ट है और हमारा जो माउंटेन्स है वो अलग ऑब्जेक्ट है। तो दोनों का वर्क एरिया और स्पेस है ना, वो अलग अलग रहता है। तो आप कौन सा भी एडिट करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये है बेसिक सा माउंटेन का लुक। तो टैब और ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आप आ गए हैं और आप टॉप में जाएंगे तो मैं साइकिल सिलेंडर में हूँ। आप ब्लेंडर रेंडर में हैं तो साइकिल सिलेंडर में चेंज कर लीजिए पहले। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी आपका मॉडलिंग कंप्लीट करते हैं उससे पहले सेव कर ले, पहले पहले सेव कर ले, क्योंकि अब जो प्रोसेस है ना उसमें क्रैशेस हो सकते हैं या ब्लेंडर स्टॉप हो सकता है। तो पहले आपको फाइल को सेव कर लीजिए। तो मैं अभी सेव कर लेता हूँ मेरा फाइल फाइल और सेव एज में क्लिक। तो मेरा फाइल सेव हो गया है। तो अब हम थोड़े मॉडिफायर्स ऐड करेंगे। मॉडिफायर्स ऐड करने के बाद हम मटेरियल में जाएंगे और रेंडर में जाएंगे। तो मॉडिफायर्स में जाने के लिए यहाँ पर आप रेंज का एक आइकॉन देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो मॉडिफायर में जाएंगे। ऐड मॉडिफायर में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मॉडिफायर्स हैं। तो इसमें से हम थोड़े मॉडिफायर्स हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है ना, उसको सेलेक्ट करेंगे और ये अच्छा है। व्यू और रेंडर दोनों दो दो है। सिंपल में सिंपल क्लिक करेंगे और स्मूथ दबाएंगे तो आपको एक स्मूथ माउंटेन का टेक्सचर दिखाई देगा। या आप दोनों भी कर सकते हैं,
देख लीजिए एक बार आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा स्मूथ आ रहा है, वो देख लेके आप फाइनलाइज कर सकते हैं कौन सा बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सिंपल सेट करा तो थोड़े पिक्सला है, तो मैं क्लाइमेटिक क्ला करा तो ये पिक्सल्स नहीं है, स्मूथ स्मूथ लुक आ गया इसको। तो वैसे ही हम शिवलिंगम को भी राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में क्लिक करेंगे और सब डिजन सरफेस वॉल पे सेलेक्ट करेंगे, रेंडर टू दबाएंगे और व्यू में भी टू सेलेक्ट करेंगे सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल पैलेट में स्मूथ सेलेक्ट करेंगे तो एक स्मूथ सा आ गया है। जूम आउट करेंगे और दोस्तों अगला है हमको उसका मटेरियल्स और जो टेक्सचर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो मटेरियल ऐड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू में क्लिक करेंगे तो हमारे को मटेरियल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम जो शिवलिंगम है ना टैप करेंगे और एडिट मोड में जाएंगे, क्योंकि क्योंकि मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है ना, इसलिए तो मैं एक दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरफेस है ना वो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा एडिट करने के लिए, तो टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, सरफेस में सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं मैं ये माउंटेन एरिया है ना वो सेलेक्ट करूँगा और एच दबा दूंगा। तो एच दबाने से क्या होगा कि वो हाइड हो जाएगा, हाइड होने से हम हमारे शिवलिंगों को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा और पूरा सेलेक्ट करके एक मटेरियल ब्लैक कलर का मटेरियल सेलेक्ट करूंगा। तो मैं एक मिनट में अपना जो पैनल है ना वो स्केल करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और तो आप देख सकते हैं ना मेरा पूरा पैनल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ये बार है ना ये पूरा नीचे कर दूंगा, तो कौन सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ गया तो पूरा ब्लैक। और आप असाइन करके असाइन कर क्लिक करेंगे तो एक बार मटेरियल में जाएंगे तो देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक हो गया है। तो अगला स्टेप यह है कि जो ऊपर का पार्ट है ना शिवलिंग का उसको हम कोई गोल्ड या अदर मटेरियल का इफेक्ट दे सकते हैं, या आपकी तो दोस्तों आप वाइट कलर है ना यहाँ पर जस्ट असाइन में क्लिक कर देंगे तो कलर फिक्स हो जाएगा, आप जब भी कौन सा कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे आपको। तो मैं जी दबा के मटेरियल्स में जाऊंगा और ए प्रेस करूंगा डिसकलर करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे शिवलिंगम का कलर टोन भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये अच्छा है, और आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या नीचे का जो रहता है शिवलिंग का उसको कोई मेटेलिक मेटल जैसा इफेक्ट दे सकते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा और डार्क करूँगा और हम नीचे का सेलेक्ट करेंगे एक बार, जी और वाई फ्रेम में जाएंगे और बी यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट सेलेक्शन है तो बॉक्स सेलेक्शन में जाएंगे, बॉक्स सेलेक्शन में जाएंगे तो इजी सेलेक्ट हो जाएगा, तो एक और बार बॉक्स सेलेक्शन करेंगे। तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो तो अंडू कर लीजिए और एक बार चेक कर लीजिए वाई फ्रेम में भी कंफर्म कर लीजिए कौन कौन से एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर प्लेस कर
प्लस क्लिक कर दीजिए तो आपको एक न्यू मटेरियल का ऑप्शन आएगा और न्यू में क्लिक कर दीजिए। कलर में आप कौन सा भी गोल्ड का सिमिलर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और असाइन में क्लिक करेंगे तो कलर अप्लाई हो जाएगा। मटेरियल में आपको ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों अगला हमको हमारा जो प्लेन है ना उसको उसको भी कलर अप्लाई करना है। तो टैब ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और अब जो हाइड है ना उसको अनहाइड करने के लिए ऑल्ट एच दबाएंगे तो अनहाइड हो जाएगा। तो उसको सेलेक्ट करेंगे एक बार, न्यू में क्लिक करेंगे, मटेरियल्स थोड़ा डार्क करेंगे उसको भी और थोड़ा सैंड का इफेक्ट या दे देंगे। तो ये डार्क ब्राउन है शायद, तो हाँ ये ठीक रहेगा डार्क ब्राउन। अब हमको नोड एडिटर्स में जाके थोड़े इफेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब फिर से एक बार बता रहा हूँ, फाइल्स सेव कर लो फिर से एक बार। तो इस बार कंट्रोल इस दबाएंगे तो आपको सेव ओवर आ जाएगा। तो जो आप पहले सेव कर रहे हैं ना उसके ऊपर ये सेव हो जाएगा, क्या बोलते ओवरराइट हो जाएगा, नहीं तो ऐड हो जाएगा। तो एंटर दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रॉस हैच एरिया है, तो उसको राइट साइड में ड्रैग कर लीजिए एक बार, या कौन सा भी एंगल प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम इसको नोड एडिटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3D व्यू पॉइंट में क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे नोड एडिटर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और एन दबाएंगे तो ये क्लोज आ जाएगा, यह है नोड एडिटर। और जो यहाँ पर अगला विंडो है उसमें हमको ये टूल्स पैनल्स की ज़रूरत नहीं है, तो टी दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और ऊपर क्रॉस हैचरी में जाके नीचे ड्रैग कर दीजिए तो एक विंडो हमको एडिट करने के लिए रहेगा, ये नीचे वाला चेक करने के लिए कैसा है, और एक वाला जो फाइनल रेंडर के लिए रहेगा। तो ऊपर में आपको माउस रहना चाहिए, जी दबाइए और रेंडर व्यू में जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा शिवलिंगम एक सिंगल है। तो हमको क्या कहना कि ये लैम्प है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करना है और यूज नोट्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ 1500 और इंटर दबाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। तो यहाँ पर ये प्रीव्यू है, तो नीचे में हम कैमरा व्यू में जाएंगे। तो कैमरा व्यू में जाने के लिए 0 दबाइए तो आ जाएगा आपको। तो हमें इन दबाऊंगा इसमें और लॉक टू कैमरा व्यू में दबाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं इसमें 3D एंगल में लॉक कर सकता हूँ और कैमरा को मूव कर सकता हूँ, और मैं जेड दबा के रेंडर में जाऊंगा तो यह ऐसा ही दिखाई देगा 3D व्यू में। तो मैं यहाँ पर वर्ल्ड में जाके फिर से यहाँ पर भी यूज नोट्स करेंगे और कलर चेंज कर देंगे थोड़ी वाइट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिवलिंगम है, या फिर आप पूरा डार्क करके एक बार इसमें ट्रेलर व्यू में से आ जाता हूँ और 0 दबाऊंगा। तो इसको आप क्या बोलते कैमरा प्रॉपर्टीज में जाएंगे और स्पॉटलाइट में जाएंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, रोटेट करेंगे तो ऐसा आ गया। कैमरा साइज 5 या 10 हो है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा करना पड़ेगा, या 5000 या 500 तक,
तो आप एक बार कैमरा व्यू में देखेंगे। तो अगला हमको क्या करना कि हमारे शिवलिंगों को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट ए दबा के शेडर्स प्रिंसिपल शेडर को सेलेक्ट करना है। तो यूज़ क्या है? तो दोस्तों प्रिंसिपल शेडर का यूज़ है कि आप क्या बोलते हैं उसको मल्टीपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्री व्यू में दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पर मेटालिक लुक है ना उसको आ जाएगा। मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर ये बेस कलर, यहाँ पर बेस है ना, बेस में यहाँ पर वाइट है। तो वाइट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिकर टूल है ना, क्लिक करेंगे तो कौन सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमको डिफ्यूज़ को, तो डिलीट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे का है ना उसको हमको मेटालिक लुक चाहिए होगा। तो मेटालिक लुक लाने के लिए हमको जो मेटालिक यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये पूरा उसको 1 तक स्लाइड कर देना। तो बस इतना ही। और हम मटेरियल्स में जाएंगे और यहाँ पर मटेरियल 1 है ना जो ब्लैक कलर है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम शिफ्ट ए दबाएंगे शेडर्स और मिक्स शेडर को सेलेक्ट करेंगे। मिक्स शेडर सेलेक्ट करने के बाद और शिफ्ट ए दबाएंगे और शेडर हम यहाँ पर ग्लॉसी ए सेलेक्ट करेंगे और ग्लॉसी कलर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लॉसी सेलेक्ट करने से एक सिल्वर सा कलर आ गया है। तो हम कलर चेंज करेंगे यहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमको ग्लॉसीनेस आ गया है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो रिफ्लेक्शन आने के लिए आपको स्लाइडर इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। और आपको फिर से प्रॉब्लम हो रहा तो सिंपली शिफ्ट करेंगे शेडर, यहाँ पर मिक्सी शेडर लेंगे और एक और शेडर ग्लास शेडर ऐड कर देंगे। शिफ्ट ए शेडर ग्लास ऐड कर देंगे, एक बार देखेंगे कैसा दिखेगा। और गैस का ये रफनेस है ना वो इंक्रीज कर देंगे। तो दोस्तों ये है एक नोड, यहाँ पर ये मेरा नोड सेटअप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला आउटपुट है, दोनों मिक्स शेडर हैं, ये डिफ्यूज का है और ये। तो दोस्तों एक बार पूरा चेक कर लेंगे कैसा हमारे शिवलिंगम है। तो मेरे को ग्लास का रफनेस देखना पड़ेगा कैसा है। तो मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा कि जो नीचे का कलर है और जो सरफेस का कलर है वो सेम है। तो हम सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और कलर को थोड़ा चेंज कर देंगे। तो गाइस कौन सा कलर या दोस्तों एक और एक कर सकते हैं कि ये क्या है। तो उसका हेक्स कोड है कैनवस। तो गाइस आप जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ कि। तो यहाँ पर कलर है ना, उसमें कलर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेक्स दिखाई देगा। डिफॉल्ट ये आरजीबी रहेगा। तो यहाँ पर हेक्स में जाइए और सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं ना ADA782 ये टाइप कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो ये हेक्स को टाइप करेंगे तो आपको सेम जो मैंने कलर अप्लाई किया ना वही कलर
आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमको ये नोड एडिटर की जरूरत नहीं है, तो ये पूरे हमको एक ही विंडो में ज्वाइन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं एक बार का कैमरा व्यू में देख लेंगे कैसा है। तो शिवलिंगम का मॉडल अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। तो मैं एक 3D व्यू से सॉलिड व्यू में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कैमरा है, तो थोड़ा मूव कर लेंगे यहाँ पर ऐसा। और इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस में डुप्लीकेट कर देंगे। और ये यहाँ पर है ना, जो डुप्लीकेट कर है ना उसको थोड़ा हाइट में मूव करेंगे, और हमारा जो उसका वैल्यू है ना, स्ट्रेंथ वैल्यू, उसको चेंज कर देंगे 8000 तक चेंज करके एंटर दबा देंगे। और एक बार चेक कर लेंगे, शिफ्ट जेड दबाएंगे तो आप रेंडर व्यू में चेक कर सकते हैं, और जीरो दबाएंगे तो कैमरे व्यू में। तो ये ऐसा दिखेगा। तो मल्टीपल इम्पोर्टेंस अनटिक करेंगे, कैश शैडो कंपलसरी है। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है स्टिल। दोस्तों यहाँ पर स्टिल लोडिंग हो रहा है सैम्पलिंग्स और रेंडरिंग्स के लिए। तो मैं शिफ्ट जेड करूँगा और जीरो दबा दूंगा कैमरा व्यू से आने के लिए। तो मैं एक और एक ऐड करूँगा लाइट, शिफ्ट डी और जी एक्सिस में मूव करेंगे, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मूव करके नीचे दबा देंगे। तो ये थ्री पॉइंट लाइटिंग बोलेंगे इसको। तो इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको 7000 या 6500 से 7000 तक आप कौन सा भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैं 6500 में लगा रहा हूँ और एंटर दबा दूँ, और ज़ीरो प्रेस करेंगे, चेक करेंगे एक बार कैसा है कि। तो अच्छा है, मैं दबाऊंगा और लॉक कैमरा टू व्यू में दबा के एक परफेक्ट एंगल देख रहा हूँ कहाँ पर सेट हो सकता है। तो ये एंगल परफेक्ट है मेरे लिए, शिवलिंगम के लिए। तो ये पूरा पिक्सल दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये मेरे को प्रॉब्लम था, कोई मेरे को एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, मेरा ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो मैं परचेज कर रहा हूँ ग्राफिक कार्ड, सो उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा और मोबाइल का भी वीडियो आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रेंडर व्यू में हूँ। तो रेंडर में स्क्रॉल करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में आप देख सकते हैं रेंडर 128 है और प्रीव्यू 32:8 है। तो इसको चेंज कर देंगे 10 और एंटर दबाएंगे, प्रीव्यू को भी 10 और एंटर दबा देंगे। तो दोस्तों ऊपर जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लेंडर का प्रीसेट्स है। तो आप HD 1080p सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेंडर लेयर में जाके डीनॉइजिंग को टिक करिए, और फिर से रेंडर में आके रेंडर में क्लिक कर दीजिए। तो अब हमारा जो शिवलिंगम का 3D मॉडल है वो रेंडर हो रहा है। तो मैं स्किप कर दूंगा रेंडरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है और मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, तो मैं इस प्रोसेस को स्किप कर दूंगा। तो दोस्तों हमारा शिवलिंग का 3D मॉडल रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और सेम बात दोस्तों आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब करे तो एक लाइक और एक शेयर बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए।